नमस्कार, मैं हूं अर्चित और आपका स्वागत है एक्सेस भारत में। तो चलते हैं आज की मुख्य खबर की ओर। सुप्रीम कोर्ट में आज यानी बुधवार को हिजाब मामले में फिर सुनवाई होगी। कुछ समय पहले शिक्षण संस्थान में हिजाब पहनकर प्रवेश पर रोक लगाने के कर्नाटक हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ दायर की गई विभिन्न याचिकाओं पर सर्वोच्च अदालत में सुनवाई हो रही है। मंगलवार को सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि कर्नाटक के स्कूलों में हिजाब पहनने का मामला अचानक या स्वतः स्फूर्त नहीं था, इसके पीछे गहरी साजिश थी। पिछले साल तक सभी छात्राएं स्कूल यूनिफॉर्म का पालन कर रही थीं। 2022 में पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया ने इंटरनेट मीडिया पर अभियान चलाकर छात्राओं को हिजाब पहनने के लिए उकसाया। जस्टिस हेमंत गुप्ता और जस्टिस सुधांशु धूलिया की पीठ के समक्ष कर्नाटक सरकार की ओर से पेश सॉलिसिटर जनरल मेहता ने कहा कि हिजाब इस्लाम धर्म का अभिन्न हिस्सा नहीं है। उन्होंने कहा कि हिजाब इस्लाम का अनिवार्य हिस्सा कैसे हो सकता है, जबकि जहां से ये धर्म शुरू हुआ वहीं अनिवार्य रूप से इसका पालन नहीं किया जाता। ईरान का हवाला देते हुए उन्होंने कहा कि मुस्लिम देशों में भी महिलाएं इसके खिलाफ लड़ रही हैं। 5 फरवरी के राज्य सरकार के आदेश का हवाला देते हुए मेहता ने कहा कि ये स्कूल में यूनिफॉर्म लागू करने के लिए है। आदेश किसी धर्म के खिलाफ नहीं है बल्कि पंथ निरपेक्ष है। पंथ निरपेक्ष देश के स्कूल में ना तो भगवा शाल की इजाजत है और ना ही हिजाब की। सॉलिसिटर जनरल ने कहा कि स्कूल ड्रेस में कुछ भी ज्यादा या कम नहीं हो सकता। यूनिफॉर्म का उद्देश्य होता है कि सब समान दिखे और कोई खुद को हीन न समझे। स्कूल में सुचारू शैक्षणिक माहौल के लिए आदेश जारी किया गया। सरकार अगर ऐसा नहीं करती तो संवैधानिक कर्तव्य की अवहेलना की दोषी होती। मेहता ने कहा कि पीएफआई ने इंटरनेट मीडिया पर अभियान चलाया। धार्मिक भावनाओं के आधार पर पीएफआई ने छात्राओं को स्कूलों में हिजाब पहनने के लिए उकसाया। पीएफआई एक कट्टर मुस्लिम संगठन है और उसे कई सामुदायिक हिंसक घटना के लिए जिम्मेदार ठहराया जाता है। उसी ने हिजाब पर रोक के खिलाफ देशव्यापी बंद का आह्वान किया था। मेहता ने कहा कि यूनिफॉर्म को लेकर सरकार ने शैक्षणिक संस्थाओं को निर्देश दिया है, छात्रों को नहीं। इस पर पीठ ने पूछा, आप कह रहे हैं कि आपका जोर केवल यूनिफॉर्म पर था? मेहता ने कहा, हाँ, हमने धर्म के किसी भी पहलू को नहीं छुआ। कर्नाटक के स्कूलों में हिजाब पहनने पर रोक के विरुद्ध दायर याचिकाओं पर राज्य सरकार की ओर से दलील रख रहे मेहता ने कहा कि छात्रों को ड्रेस अनुशासन का पालन करना चाहिए। इससे सिर्फ तभी छूट दी जा सकती है जबकि वो धर्म का अभिन्न हिस्सा हो। याचिकाकर्ताओं ने इसे धर्म का अभिन्न हिस्सा साबित करने के पक्ष में कोई साक्ष्य पेश नहीं किए हैं। इसके लिए कुछ मानक हैं, जैसे कि उस प्रथा का चलन अनादिकाल यानी धर्म की शुरुआत से ही होना चाहिए, सभी उसका पालन करते हों।